तो ये देखो भाई फाइनली अपनी इसमें देख रहा हूँ, एक तो ये चीज़ थी यहाँ से, ये उखड़ा हुआ था, इसको लगा दिया है और अपना फ्रेंच शीशा देखते हैं। ये देख लो भाई एकदम नया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो मैं पिंटू पड़ोसी और ये हमारे साथ ये आ गए हम भाई अपनी स्कॉर्पियो लेने महिंद्रा सर्विस सेंटर, चार पाँच दिनों के बाद, कल संडे था तो इस वजह से आ नहीं पाए और आज मंडे है तो मंडे को आ गए हैं। अभी चलते हैं अंदर और लेते हैं अपनी गाड़ी, आ जा अपनी राम दुलारी लेके आते हैं। तो भाई मैं और पिंटू ने पूरे वेयर हाउस में देख लिया, कहीं भी मतलब पूरे सर्विस स्टेशन पे कहीं भी एक भी गाड़ी नहीं दिख रही हमारे को। हमारे जो भाई है सर्विस एडवाइज़र, वो अभी फ़ोन उठा रहा, मतलब उठा तो रहा है, वो बोल रहा है कि 10-1 मिनट में आ रहा हूँ, आप बैठो जब तक। पूरे में देख लिया हमने, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चेक कर ली यहाँ पर, लेकिन हमारे हमारी गाड़ी नहीं दिखाई दी है ना। चलो ठीक है भाई, ढूंढ रहे हैं, आई मीन चालियो ही सर्विस वालों, बाद में सर्विस ही हुई अपनी गाड़ी। तो ये देखो भाई फाइनली अपनी इसमें देख रहा हूँ, एक तो ये चीज़ थी यहाँ से, ये उखड़ा हुआ था, इसको लगा दिया है और अपना फ्रेंच शीशा देखते हैं। ये देख लो भाई एकदम नया यार। और ये देख लो भाई यहाँ से थोड़ा इन्होंने ऐसे कराया, अभी देख लेंगे इनसे बात कर लेंगे वो तो। इसमें और अंदर एक रियर एसी वेंट में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये तोड़ा हुआ है इसका, कुछ नहीं देख चेक करा, टूट गया था ये पहले से। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो है जो है। और ये इन्होंने बहुत ही वो रख दिया थम्स अप ऐसे की ऐसी धुलाई करी उन्होंने शायद, एक थम्स अप यही कि यहीं पड़ी होंगी नाली, नहीं धुलाई कर दी ना अंदर लाग रही को ना यार, बाहर से देख लो गंदी है, ये भी साफ सफाई करेंगे, ये भी सही करवाने की सोच रहा था मैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या कि थोड़ा सिस्टम से काम नहीं करा। चलो ठीक है भाई, अब मिलते हैं अपने एडवाइज़र से। तो भाई टाइम हो गया अभी 6 बज गए, क्या मिनट होगी 6 बज गए मतलब, और अभी तक गाड़ी 6:15 और गाड़ी अभी भी देख लो उधर ही खड़ी है, वो दिख रही होगी वो खड़ी अभी तक साफ नहीं हुई। और ये देख लो अपने एडवाइजर सर्विस एडवाइजर गाड़ी मचका रहे हैं ये यहाँ पे, ऐसे नहीं कि धुलवा दो, पकड़ के लो उन बोल कि पहले ये साफ करवा, पहले उन बोल देख लो भाई अपनी राम दुलारी, क्या बोलते हैं नो फार्मर्स नो फूड लिखवा दिया जाए इसके पीछे, पूरा शीशा बेचारे का। इतने दिनों बाद देखो मिली है आज, बुला उन बुला, पानी पी पी के थक गए हैं, पौवा पी गए आगा। तो भाई फाइनली गाड़ी अपनी आ गई है और इसकी 10,000 किलोमीटर की सर्विस थोड़ी सी महंगी पड़ गई है हमारे को, पूरी पड़ गई 10,000 किलोमीटर भाई हमारे किलोमीटर के हिसाब से पैसे लग गए हैं, 1,000 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 10,000 की पड़ गई। और अभी इसमें देखो फ्यूल नहीं है, बिल्कुल जीरो वो कर दिया भाई ने, तो अभी इसमें फ्यूल डलवाएंगे अपन डीजल और चलेंगे अपने घर पे। तो भाई ये कौन है अपना मोन्ट्री है वही है बिल्कुल धीरे धीरे चलाऊंगा भाई, बिल्कुल पीछे से मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए बिल्कुल भी, पापा खुश हो जाएंगे हर गाड़ी साफ सफाई देख के। और अभी निकल लिए भाई शोरूम से, गाड़ी ले रहा गा समाज को काम हो, और ये पेट्रोल पंप आ गया है तो अभी लगाएंगे पेट्रोल पंप पे और इसमें डलवाएंगे अपन फ्यूल, फ्यूल बोले तो डीजल, डीजल मैं भी मेरी टंकी पे लिखवाऊंगा भाई डीजल डीजल
कोई पेट्रोल डाल दे तो गलती से मेरी गाड़ी में, इसलिए यहाँ लिखूंगा डीजल। डी हिंदी में और बाकी जल हिंदी में डीजल। चलो ठीक है भाई, पेट्रोल पंप पहुँच गया, मैं डीजल वीजल डलवाता हूँ, मिलते हैं अपने घर पहुँच के। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके अपने घर पे, और ये देख लो आपको दिखा दूँ, आज 18 केएस मोटर्स सर्विस करवा के आ गए और ये ड्यूटी जाके आ गए हैं। हाँ जी मैम, पंखा चलाऊँ आपके लिए, आपके हाथ पैर दबाऊँ? कितने पैसे कमा के लाए मेरे लिए आप? 3000। चलो ठीक है, मैं हाथ पैर दबाता हूँ आपके, वो चरण धोऊँ, परात लाऊँ, हैं? बता क्यों? और ये पापा जी हमारे सर्विस किसी कोई गाड़ी की क्या दिक्कत दे रहा है? कौन देखियो? अभी भाई मेरे पापा कल वो पूरा जांच पड़ताल करेंगे हमारी गाड़ी की, कि क्या क्या मैंने करवाया है उसमें, क्या नहीं करवाया, और करवाया वो क्यों करवाया, और नहीं करवाया वो क्यों नहीं करवाया, वो बताने को मिलेगा कल। और कल भाई अपने ना डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा के आने हैं, देखो ये पड़े जो, तो कल ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाएंगे टोंग फाटक, और टोंग फाटक चल के मिलेंगे और विवेक मीणा से, ठीक है? अब भाई नहाऊंगा और खाना वाना खाएंगे भी। चलो ठीक है, आप भी खाओ। तो भाई अभी आ चुके हैं अपन अपने निक्कू के पास, और निक्कू ने आज ले ली नई इनोवा। ला भाई सिस्टम अपना ऐसा ही है भाई, सिस्टम नई नई इनोवा लेते रहे मैं, पेट्रोल पेट्रोल फूंकते रहे। पापा नहीं लेते, नहीं लेता रहा बाप, नहीं पेट्रोल पेट्रोल फूंकते रहे मैं, बढ़िया मौज करते रहे भाई। बापू को फोन बोले गाड़ी का ले गया, अभी तो लेकर ही आई है, मैं रुक जाओ यार थोड़ी एंजॉय तो करने दो, तो अपना ये सिस्टम मौज काटते रहे, तुम भी मौज काटो, गाड़ी चलाओ। नहीं गाड़ी ले ले मन भाई जिस दिन लगी थी उस दिन फोन कर दिया था, टाइम नहीं मिला आपको, पता ना अपना ये सिस्टम जब भी आप घर से बाहर निकल रहे भाई हेलमेट पहन के निकले, आज मार भाई के देख लो कैसे लगी हुई नतीजा, भाई हेलमेट नहीं पहनने का, अगर सर पे हेलमेट होता तो आज ये लगती नहीं भाई, तुम भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे मध्य को पुलिस वाले चालान काट रहे, पुलिस वाले मेरी बात कर रहे, मेरा नंबर दे दो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम ले लो, और बोलो हेलमेट निकाल के निकला करो यार, पर हेलमेट हेलमेट की वजह से चालान होगा जब बात नहीं करेगा। हां अगर तुम हेलमेट कटाओगे तुम चालान देखो भाई, बोला था तुमको ऐसे सिस्टम है, कांदी का फोन आ गया पापा को, बापू फोन करते भाई, इनो इनो का ठेले फोन आ गया भैया, पढ़ाई के नाम पे तो क्या कर रहे हो रे, तू तो पढ़ा है ना, किताब पीछे रख के इनोवा ध्यान से चलाना ना, बिल्कुल इनोवा ध्यान से चलाना, सीट बेल्ट लगा लेना तू, और अपना काम चालू कर दो, तो वो तो चालू ही है इसके भाई, आप पट्टी दोबारा करवा दी हमने इसके, देख लो एकदम, कल खोल देंगे इसको, है कल दिखाऊंगा भी, देख लो इसकी, देखो भाई इसके मुख का मारा है भाई, किसी ने ऐसे गिरा वेरा नहीं है, ये पिट पिट आ गया है ये, है ना, और क्या, तो भाई ने मारी ठीक है, तो फिर क्या करें, कर देंगे वो लोग, यहीं कर देंगे आज, चलो ठीक है भाई, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वेग मीणा के साथ मिलते हैं कल।